बिजनौर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिन बाइक सवार तीन बदमाशों ने बालकृष्णपुर रोड पर हरिद्वार निवासी एक शख्स से तमंचे की नोक पर 90,000 की नकदी लूट ली थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटों के भीतर शेरकोट के उमरपुर निवासी एक बदमाश अमन उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने बदमाश के पास से 20,000 रुपए की नकदी, एक बाइक और कुछ कागजात भी बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने घटना का खुलासा करते हुए मामले की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस लूट में शामिल फरार दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 4 अगस्त को एक बेसिक्स कंपनी है, जो एक फाइनेंस कंपनी है, जो गांव-गांव जाकर पैसा अपना कलेक्ट करके लोगों को योजनाओं का लाभ देती है, उस कंपनी के एजेंट थे मिस्टर अनिल कुमार। उनके साथ शेरकोट में एक लूट की वारदात हुई थी, जिसमें एक अपाचे मोटरसाइकिल पर दिन में ही 3 लोगों ने उनसे जो है बैग छीन लिया था, जिसमें 90,000 रुपये थे। इस घटना पर तत्परता से कार्रवाई करके अभियोग दर्ज किया गया और तमाम टीमें पुलिस की सतर्कता से लगाई गई। थाना शेरकोट के थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए अमन और फौजी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो कल रैंडम चेकिंग हमारी चल रही थी उसी दौरान उसको गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से वो मोटरसाइकिल जिससे वो लूट की गई थी और उसके बैग में कुछ पैसे बरामद हुए, जिसको बाद में उससे पूछताछ पर स्वीकार किया कि ये पैसे वही हैं जो उसने लूटे। उसके 2 साथी और भी हैं जिनका हमें पता चल गया है और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करके जेल में। ये 24 घंटे के अंदर इस खुलासे पर उत्साहवर्धन के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा 5,000 रुपये के इनाम भी घोषणा।